प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज जो हम यूट्यूब चैनल पे जैसे बच्चों की डिमांड आई है कि बीएससी सेकंड ईयर के सर कुछ वीडियोस डालिए, तो उसके रिगार्डिंग हम बीएससी सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके वीडियो डालने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके बीएससी सेकंड ईयर में एक अच्छी बुक चलती है, जंतुकारिकी एवं जैव रसायन। अच्छी बुक है, मैं बुक का नाम लिखता हूँ, जंतुकारिकी एवं जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी। ये बुक है और इस बुक का कंपटीशन में भी बहुत रोल है। एनिमल फिजियोलॉजी आपके अगर आप देखोगे तो 11th में एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके बाद कंपटीशन में नीट हुआ या जेट हुआ उसके अंदर भी बहुत अच्छा रोल है इस बुक का, और सेकेंड ईयर में ये टॉपिक है ही। तो मैं उसी टॉपिक को कैरी ऑन करने जा रहा हूँ और वहाँ आपके ये बुक का वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिएगा। आपके जो टॉपिक हैं वो मैं कुछ इस तरह से लेके चलता हूँ। इसमें पहला चैप्टर जो दे रखा है वो आपके चैप्टर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी में संबंधित है और उसका नाम है पराशण नियमन की कार्यकी। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है पराशरण नियमन की कार्यकी। पराशरण नियमन की कार्य की मतलब ओस्मो रेगुलेशन इन फिजियोलॉजी। भाई, जीव पृथ्वी पर अलग अलग जगह रहता है, अलग अलग वातावरण में रहता है। कोई स्वच्छ जल में रहता है, कोई समुद्री जल में रहता है, कोई धरती पर रहता है, कोई वायु में रहता है। तो अलग अलग जो जीव रहता है वो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं करता है। अब उपापचयी क्रिया करेगा तो उस दौरान उसे जल की आवश्यकता होती है। इस दौरान जल लेकर के वो लवणों का उपापचय करता है। अब मान लो कोई स्वच्छ जल में रहता है जीव तो उसे जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पर समुद्री जल में रहने वाले जीव के साथ विपरीत समस्या है, वहां बाहरी जल की सांद्रता ज्यादा होती है। तो देखो, इस टॉपिक में कुछ टर्म आएंगे, मैं पहले वो टर्म क्लियर करता हूं फिर इस चैप्टर को हम कैरी ऑन करेंगे। आप देखिएगा भाई, पहला जो टर्म है आपकी मैं लेके चलूं तो विलेय, विलायक और विलयन, जिसे हम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं। ये देखिएगा, तीन शब्द हैं, विलेय जिसे सॉल्यूट कहते हैं, विलायक जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों का हमें अर्थ लेना होगा क्योंकि ये बीच बीच में आगे आएंगे। मैं पहले जनरल बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के जरिए, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो विलेय क्या है? एक्चुअल में कोई भी पदार्थ जो घुले, जो डिजोल्व हो, वो क्या कहलाता है? विलेय। देखिए, आप अगर कंफ्यूज हो तो मैं टर्म में कोरिलेट कर रहा हूं, वहां भी ले था और विलेय में भी ले है। देखिएगा, जो पदार्थ घुले, अगर हम कोई पानी ले रहे हैं और उसमें नमक घोल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कुछ भी चीज डाल रहे हैं, कोई भी पदार्थ लवण डाल रहे हैं और उसमें डिजोल्व हो रहा है, वो घुल रहा है, वो घुलने वाला पदार्थ हमेशा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट या विलेय। ठीक है, दूसरा शब्द है विलायक, जो घोलने लायक। घोलने लायक मतलब जो डिजोल्व करेगा, वो पदार्थ क्या कहलाता है? आपके विलायक। ये देखिएगा, एक कोरिलेशन हो रहा है यहां पे, विलायक और घोलने लायक। विलायक क्या है? जो घोलने लायक है वो विलायक है आपके। ठीक है, और फिर विलयन क्या है? विलेय और
विलायक का मिश्रण जो होगा, मतलब विलय जो घुल रहा है, विलायक जो घोल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर होगा, वो क्या होगा? विलयन। जैसे दोबारा उदाहरण लेते हैं हम, मान लो हमने चीनी ली और चीनी को पानी में घोला, तो चीनी घुलेगी। चीनी क्या होगा, चीनी का फ्यूचर क्या है? चीनी घुलेगी, डिजोल्व होगी, तो वो क्या है? सॉल्यूट या विलय। पानी उसे डिजोल्व करेगा तो घोलने लायक है, इसलिए सॉल्वेंट या विलायक। और चीनी और पानी के मिश्रण से शरबत बना, वो शरबत क्या कहलाएगा? आपके विलय। तो देखिए, मैंने ये तीन शब्द क्लियर करने की कोशिश करी यहां पर आपके, कि विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। आप इन शब्दों को क्लियर कर पाए होंगे यहां पे। मैं उसके बाद कैरी ऑन करता हूं, आगे सुनिएगा। एक शब्द आता है अब परासरण, ओस्मोसिस। देखिएगा ये क्या है शब्द, परासरण क्या है। तो परासरण के लिए जब भी बात करेंगे तो हम देखते हैं कि मान लो कोई भी कोशिका है, ये मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होगी। मैं जंतु कोशिका की बात कर रहा हूं, उसमें कोशिका झिल्ली होगी और ये कोशिका किसी पात्र में रखी हुई है, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर पदार्थ घुले होंगे, तो बाहर पानी में भी हो सकता है घुले हुए हों। यदि यहां जल उपस्थित है, जल की मात्रा बाहर ज्यादा है और जल की मात्रा अंदर कम है, तो जल जो है वो बाहर से किधर गति करेगा? कोशिका के अंदर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर जल कम है, इसलिए जल गति करता है। वाटर जो है, जल, जल क्या है? विलायक। तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, सुनना, विलायक अपना उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से किधर जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ जो जा रहा है, वो आपके जो कहलाता है परासरण कहलाता है। अब इस दौरान, परासरण के दौरान एक दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होता है, वो दाब क्या है? जल की मात्रा को रोकने के लिए लगाया गया दाब। वो दाब कौन सा दाब कहलाता है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहां मैं दो शब्द क्लियर कर रहा हूं, आप समझिएगा। देखो, एक तो थी क्रिया परासरण। इस परासरण में बीच में झिल्ली जो होगी वो कौन सी होगी? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमिएबल, ये झिल्ली है। दोबारा समझना क्या है क्या नहीं है। मान लो मेरा एक बीकर है, उसमें मैंने ये कोशिका रख रखी है, तो इस कोशिका के चारों ओर को यहां क्या होगी? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होगी। वो कोशिका झिल्ली अंदर के जो विलयन है उसे बाहर से अलग रखती है, पर इन दोनों विलयनों में यहां जल की मात्रा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है। तो वाटर, वाटर क्या था? पानी क्या था? विलायक। विलायक अपना उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाए, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? परासरण। ये क्लियर? कहीं शब्द में दिक्कत? परासरण क्या है? और इस क्रिया को रोकने के लिए, मान लो इधर से जल का एक अणु आ रहा है, अब मुझे अंदर से कोई दाब लगाना पड़ेगा उस जल को आने से रोकने के लिए, कि जल की मात्रा को रोकने के लिए लगाया गया दाब।
जल अंदर आए और उसको रोकना हो उसके लिए लगाया गया दाब कौन सा दाब कहलाएगा? परासरण दाब। कहीं दिक्कत? क्लियर है? ये मेरा एक बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो है जिसके अंदर मैं इसका स्टार्टिंग दे रहा हूं। खाली आपको इसके बाद चैप्टर जो है एनिमल फिजियोलॉजी वो चालू होगा, तो आप यहां समझें इस चीज को। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाएं, खुद भी करें और दोस्तों को शेयर करके, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करके करवाएं। ये वीडियो आपके 11th एनसीईआरटी 11th राजस्थान बोर्ड में भी है, तो साथ के साथ आपके अगर आगे चले 12th राजस्थान बोर्ड के अलावा हम बात करें तो BSc में सेकेंड ईयर में है, और अगर आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कोई भी कंपटीशन देते हैं तो वहां भी ये टॉपिक काम आता है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।